हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एसएससी स्टेनो के लिए अब आपके पास लगभग रह गए हैं 40 डेज। अब सवाल ये उठता है कि इन 40 डेज़ में, यानी कि इस गिवन पीरियड में, हम लोग क्या कुछ करें कि हम लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। सो गाइस, लास्ट 40 डेज़ की स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि इतने कम समय में आप लोग किस तरह से एक अच्छा स्कोर अपने लिए खड़ा कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के लिए आप लोग कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करें और कैसे कैसे प्रैक्टिस करें, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि रीजनिंग और जीके के लिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से करनी है, और इंग्लिश उनकी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है बहुत मेहनत करने के बाद भी। चलिए गाइस, बात करता हूँ पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले जीके और जीएस की ही, जो कि बहुत बड़ी समस्या बच्चों के लिए है। अक्सर मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं, तो जीके को और मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके मार्क्स जो बढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री बराबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका नो वेस्टिंग ऑफ टाइम और मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो गाइस, यहाँ आप लोग जीके के लिए या तो राकेश यादव का सर का 9700+ लीजिएगा, और साथ में आप लोग लगा दीजिएगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक साथ में लगा दीजिएगा आप लोग। ये दो चीज़ अगर आप लोग कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोग जीके में एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया है, स्टैटिक जीके आप लोग करते रहिएगा साथ साथ, डेली एक टॉपिक, एक या दो टॉपिक डेली स्टैटिक जीके करते रहिएगा साथ में, आज से कंटिन्यू एग्ज़ाम तक। अगर बात करूँ गाइस रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ कहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट करना शुरू करें, लेकिन ये मत सोचें कि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है तो आप सिर्फ एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर उठाएंगे। आप 12th लेवल वाले एग्ज़ाम के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, जैसे कि CHSL और आपका स्टेनो, इन दोनों एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के आप लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दें, जिससे कि आपका रीजनिंग का स्तर थोड़ा सा अप हो जाए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो फॉर्म भरे गए हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है, मेरिट थोड़ी हाई रहने वाली है, और हो सकता है कि एग्ज़ाम को थोड़ा सा लेंथी बनाया जाए, जिससे कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ सके। तो आप लोग रीजनिंग को थोड़ा सा 12th लेवल पे भी लेके चलेंगे, लेकिन करना सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही है, इस समय चैप्टर वाइज आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है, आपके पास इतना समय नहीं है। अगर गाइस बात करें आपकी मैथ की, तो मैथ का स्तर इतना ज़्यादा ऊंचा इसमें नहीं रहने वाला होता है, एग्ज़ाम बहुत लोअर लेवल पर है, 10th लेवल पर एग्ज़ाम है, तो बहुत हाई लेवल का इसमें स्तर मैथ का नहीं रहेगा कि आप लोग इसमें सीजीएल लेवल की मैथ पढ़ना शुरू कर दें। हाँ, आप किरण बुक का या राकेश सर की बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं, वो आपको नहीं करने हैं, लेकिन आपसे जो इजीली हो जाएँ उनमें से आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि मैं कहना चाहूँ साफ साफ शब्दों में, तो वो क्वेश्चन जो MTS में आए हुए हैं और वो क्वेश्चन जो CHSL में आए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों पर अपना फोकस रखें, CGL में आए हुए क्वेश्चनों पर आप फोकस ना रखें, ये इतने हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। अगर बात करूं मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मैं आपसे कहूंगा साफ साफ, क्योंकि इंग्लिश का स्कोर आपको बढ़ाना होगा, ये एक ऐसा लेवल है जिसे आप एक दिन में, दो दिन में या तीन दिन में बढ़िया नहीं कर सकते, और अगर आपका बढ़िया हो गया तो आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये ध्यान रखें। इसमें आपका स्कोर अगर एक बार बढ़ना शुरू हो गया तो आपके आसपास भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों ये एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ आपसे कहूँगा कि आप लोग अब अगर कर सकते हैं तो किरण कंप्लीट कर दीजिए मेरे साथ में, अगर कर सकते हैं आप लोग, ये पूरी कंप्लीट किरण मैं आपको करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, आपके पास 45 डेज़ है, आप ये कंप्लीट किरण ले सकते हैं। और गाइस रिस्क लीजिएगा, मैं कहूँगा आप लोगों से, अगर आपने इस पर रिस्क ले लिया तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा और आप सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। ये पूरा कोर्स कंप्लीट ओनली 750 रुपीज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत ईजिली आप इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और इसको आप एग्ज़ाम से पहले फिनिश भी कर सकते हैं। मैं आपका ये कोर्स विद इन 30 डेज़ कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, क्लोज टेस्ट, पैसिव PQRS, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी चैप्टर कवर रहेंगे। ये सब कुछ आपको विद इन 1 मंथ करवा दिया जाएगा। आप इसके बारे में अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर 8279-73-8238 पर मैसेज कर सकते हैं इस गैस। लेकिन आपको करनी इस समय पर किरण ही है, इसके अलावा कोई और बुक ग्रामर के लिए, इंग्लिश के लिए मत करना, चैप्टर वाइज मत पढ़ना, आप सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आप लोग एग्ज़ाम की दौड़ से हो जाएंगे बाहर इस गैस। तो फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहिएगा, आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी 45 डेज़ की, 40 डेज़ की सॉरी,
आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी जानकारी आप लोग लेना चाह रहे हैं अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम लोग उस पर तुरंत वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। ओके गाइस, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।